कटअप का हम लोग बात कर लेते हैं, तो बच्चा लोगों का आप लोग अंदर पे बोला होगा कि कितना कटअप, कितना नंबर आप लोग का है, ये तो उठाया होगा। हाँ, मेरा 110 नंबर है, लेकिन रनिंग के लिए यहाँ बुलाया गया था। कटअप जहाँ तक हमको मालूम चला है कि 88 मार्क्स एसटी का, जो रनिंग के लिए 88 से उठाया है, जिसका 88 से कम है मतलब उसको रनिंग के लिए नहीं बुलाया एक गया। चीज बताइएगा, अंदर में आप लोगों का कटअप का, कटअप से लोगों का कितना नंबर ज्यादा है सब लोगों का? कटअप से हमको लगता है कि 130 के अंदर ही सबका है। 130 से ऊपर कोई नहीं बोला है, 125, 120, 110, 100, हाँ इस टाइप से था, लेकिन ज्यादा का 100 पार है। और इसमें जो क्वालिफाइड हुए हैं उसमें 100 से दो चार लड़का को कम है, हम पर्सनली पूछे भी हैं। पूछे थे आपने? मतलब 100 लगभग बच्चा का था ही। हाँ, मतलब 4-5 लड़का का हमें लगता है कि 100 से कम है, बाकी सबका 100 से ऊपर है। ज्यादा पढ़ने जानता है, बच्चा का पास भी हो रहा है आप लोग का कैटेगरी में बहुत ज्यादा। धड़कन तेज कर दिया ना ज्यादा, कटअप क्या जा सकते हैं। रीमेडिकलाइज कितना लोगों को मिला? रीमेडिकलाइज टोटल 31 को मिला है। 31 कैंडिडेट को मिल गया रीमेडिकल, 50% नहीं, 33 को मिला है और 31 पास हुए हैं। मतलब 60 लोगों का लगभग बुलाया गया था, 66 लोगों को बुलाया गया, जिसके में दो लड़का था कि अभी अब्सेंट था, दो गाया ही नहीं, तो लगभग मतलब 50% को था, तो 64 गो में 33 गो डिस्क्वालिफाई हो गया। 50% समझ लीजिए डिस्क्वालिफाई, और 31 गो को है कि क्वालिफाई कर लिया गया, क्वालिफाई इतना किया था ना। अच्छा खासा लेवल, मतलब 30 मतलब कैंडिडेट को रीमेडिकल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार, में आप सभी लोग का स्वागत है। सभी लोग को जैन दोस्तों, दोस्तों डेट का बात करते हैं दोस्तों, 11 नवंबर है और एसएससी जीडी का दोस्तों भाई लोग का फाइनली इसका प्रोसेस हो चुका है। और क्या किस तरह से प्रोसेस हुआ, कितना फिट हुआ, कितना अनफिट हुआ, और कितना लोगों का रीमेडिकल मिला, और क्या क्या नंबर अंदर भाई लोग का, जितना भी कम से कम 60 लोग था अंदर में, 60 लोगों में कितना को रीमेडिकल मिला और कितना क्वालिफाई किया, सारा डिटेल के साथ आपको मालूम चलेगा। सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश सिंह। मेरा रायसिंह डांगल सरायकेला का। विकास कुमार मणि बोकारो से। घनश्याम भाई पश्चिम सिंहभूम झारखंड से। तो दोस्तों ये लोग का प्रोसेस वगैरह बात करते हो, मेडिकल फाइनली लोग फिट हो चुका और भाई लोग अभी बताएगा कि इस तरह से प्रोसेस किस तरह से रहा। वहाँ सबसे पहले यहाँ आने के बाद हम लोग को 4:30 बजे एंट्री करा लिया गया था, 4 तारीख को, 4 नवम्बर को। और उसके बाद है कि डॉक्यूमेंट जितना भी है अपना सब जमा किए, फॉर्म वॉर्म भरा गया और उसके बाद रनिंग के लिए ले जाया गया। और 7:30 बजे के लगभग में हम लोग को ग्राउंड पे वहाँ पे उतार दिया गया था। एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं मालूम है, लेकिन 7:20 से 7:25 के अंदर में हम लोग को दौड़ा दिया गया था। उसमें से पास कितना हुआ था? टोटल लड़का हम लोग 66 पास हुए थे। 66%। हाँ, 66 टोटल, और 77 में 11 को टोटल नहीं रनिंग कर पाया था। मतलब अच्छा खासा पास हुआ बच्चा ना। 77 पाया था रनिंग में, तो लगभग कितना मतलब अच्छा खासा 10 बच्चा फेल हुआ था होगा, ज्यादा से ज्यादा 11 बच्चा फेल हुआ। और आज मेडिकल का प्रोसेस था आप लोग का, तो मेडिकल में किस तरह से प्रोसेस हो रहा था? मेडिकल का प्रोसेस देखिए कि यहाँ सबसे पहले तो एंट्री कराया गया। और एंट्री कराने के बाद है कि वहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बैठाया गया। और बैठाने के बाद क्या हुआ कि अपना जो भी मेडिकल का जो प्रोसेस होता है शुरू हो गया था अपना। और उसके बाद है कि वहां ले जाने के बाद अंदर एक एक को करके क्या किया गया कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जो भी डॉक्टर बोलेंगे उनको फॉलो करना है। तो उस तरह से हम लोग सब फॉलो किए थे वो। तो उसके बाद बताइए कि अंदर में रीमेडिकलाइज कितना लोगों को मिला? रीमेडिकलाइज टोटल 31 को मिला है। 31 कैंडिडेट को मिल गया रीमेडिकल, 50% नहीं, 33 को मिला है और 31 पास हुए हैं। मतलब 60 लोगों का लगभग बुलाया गया था, 66 लोगों को बुलाया गया, जिसके में दो लड़का था कि अभी अब्सेंट था, दो गाया ही नहीं, तो लगभग मतलब 50% को था, तो 64 गो में 33 गो डिस्क्वालिफाई हो गया। 50% समझ लीजिए डिस्क्वालिफाई, और 31 गो को है कि क्वालिफाई कर लिया गया, क्वालिफाई इतना किया था ना। अच्छा खासा लेवल, मतलब 30 मतलब कैंडिडेट को रीमेडिकल दिया गया। सबसे ज्यादा रीमेडिकल किस में दिया गया? हमको लगता है आँख में दिया गया है, आँख से रिलेटेड जो परेशानियाँ होती है उसी से रिलेटेड दिया गया है। आँख में मतलब क्या चीज में मारा, दूर वाला या कलर ब्राइटनेस में मारा? दूर वाला भी और कलर ब्राइटनेस में हमको लगता है कि ज्यादा, और आई विजन वाला भी, आई विजन भी दिया था, फिर आई एंगल जो होता है ना आँख घुमाने वाला उसमें भी दिया था बहुत कुछ का। तो लगभग अंदर पे बच्चा को मतलब आँख में सबसे ज्यादा मारा, और हाइड्रोसिल वगैरह वगैरह में, हाइड्रोसिल एक दो जन बहुत उससे निकला, इसमें उतना नहीं, हाइड्रोसिल नहीं कुछ, हाइड्रोसिल कौन सा दिया गया है? टेबल कौन सा में ज्यादा मार रहा? हम टेबल 1 में थे।
और टेबल टू और थ्री में सुनने को आता है लेकिन हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन थ्री था सबसे बहुत अच्छे डॉक्टर की, कुछ भी दो बार नहीं तीन बार नहीं छह बार मौका दे रहे थे, मौका मिला रहा था ना, हम लोग को टेबल टू है ज्यादा मौका नहीं मिला है और उन लोग को वादी तरिया दिया है, रीमेडिकल दिया है, रीमेडिकल कहाँ दिया, सब आईटीबीपी रांची में दिया है, आईटीबीपी कैंप रांची में दिया है। और अंदर एक चीज बताइए कि अंदर का जो बच्चा है कटअप का हम लोग बात कर लेते हैं, तो बच्चा लोगों का आप लोग अंदर पे बोला होगा कि कितना कटअप कितना नंबर आप लोग का है ये तो उठाया होगा। हाँ मेरा 110 नंबर है, लेकिन रनिंग के लिए यहाँ बुलाया गया था कटअप, जहाँ तक हमको मालूम चला है कि 88 मार्क्स एसटी का जो रनिंग के लिए 88 से उठाया है, जिसका 88 से कम है मतलब उसको रनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। बताएगा अंदर में आप लोगों का कटअप का कटअप से लोगों का कितना नंबर ज्यादा है सब लोगों का, कटअप से हमको लगता है कि 130 के अंदर ही सबका है, 130 से ऊपर कोई नहीं बोला है, 125 120 110 100 हाँ इस टाइप से था, लेकिन ज्यादा का 100 पार है और इसमें जो क्वालिफाइड हुए हैं उसमें 100 से दो चार लड़का को कम है, हम पर्सनली पूछे भी हैं। पूछे थे आपने, मतलब 100 लगभग बच्चा का था ही। हाँ मतलब चार पांच लड़का का हमें लगता है कि 100 से कम है, बाकी सबका 100 से ऊपर है, ज्यादा पढ़ने जानता है, पास का भी हो रहा है आप लोगों के कैटेगरी में बहुत ज्यादा, धड़कन तेज कर दिया ना बहुत ज्यादा, कटअप क्या जा सकते हैं मतलब कटअप बॉर्डर लाइन पे है सभी लोग, जिसका 100 है सब बॉर्डर लाइन पे है। आपका कितना नंबर, मेरा 110 नंबर है, 110 आपका, मेरा 105 है, मैं 102 है, 107। आप उदाहरण पे आप यहीं पे देख सकते हो क्या सबका 100 प्लस है, और उदाहरण क्या चाहिए आपको बताइए, सबका 110 115 इस टाइप से नंबर है भाई, एसटी कैटेगरी भी पीछे नहीं रहा आजकल, तो देखिए प्रोसेस भी यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ और पास करने का कैंडिडेट भाई एसटी का कटअप इसमें कम नहीं जाने वाला है, देखता है सुबह कितना पास हो जा रहा है ना। अब पास होने के बाद री मेडिकल भी थोड़ा सा आज तो ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा आज क्या सबसे ज्यादा आज री मेडिकल दिया है सभी को, रात बारिश में भी आप लोग कुछ मिल सकता है, मिल सकता है, मौका मिल सकता है, चांस मिल सकता है, इस बार मेरिट बनेगा तो अच्छा है। तो दोस्तों एक चीज बता देते हैं, देखिए किसी को इन लोग भी नहीं चाह रहा कि हो जाए नहीं, लेकिन इन लोग का देखिए लोग सबसे ज्यादा डॉक्टर जितना है सब लोग बोले भी कि सबसे ज्यादा जो री मेडिकल आज आया है ना सबसे ज्यादा अभी रिकॉर्ड तोड़, मतलब 4 तारीख जिस दिन से चालू हुआ दौड़ और मेडिकल उस दिन से, जिस दिन से चालू हुआ दौड़ उस दिन से सबसे ज्यादा आज री मेडिकल मिला है, देख लो भाई समझ लो कि कटअप भी आप लोग का थोड़ा सा राहत कुछ मिल सकता है 50%। अभी आप लोग का तीसरा दिन चल रहा है शायद ना, तीसरा दिन आप लोग का एसटी कैटेगरी का और अभी 9 तारीख तक चलेगा, बाकी देखिए अभी लोग का प्रोसेस भी बिल्कुल अंदर पे सही हो रहा, जो रियल में जो है वही दे रहा, ऐसा नहीं कि आपका पास अगर कुछ खराब है तभी खराब बता रहा, अगर नहीं है तो नहीं दे रहा, ऐसे कि जानबूझ के किसी को नहीं दे रहा। बाकी देखिए इसलिए अभी आप लोग का मेडिकल सामने है तो आंख से जो है ना दोस्तों प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मोबाइल से थोड़ा दूर रहिएगा, 2025 वाला जितना भी कैंडिडेट लोग देख रहे हो जो ईयरबड्स होता है कान का जो ईयरबड्स होता है कुछ देने के लिए जिसको मेडिकल देना है वो कान का ईयरबड्स बिल्कुल भी नहीं लगाए, कान में भी दिक्कत हो जाता है किसी किसी का, सफाई करके जरूर आना और सफाई करके भी अपना जो कान है अच्छा से साफ करके आना है और शरीर को पूरा अच्छा से नहा धुल के आना है तब जाके ठीक रहेगा। कोऑपरेट कर रहे हैं जितना भी, हाँ कोऑपरेट बहुत अच्छा कर रहे हैं एकदम, मतलब ये प्रोसेस बहुत अच्छा से हुआ है ना। बाकी चलिए जो भी अपडेट आएगा मैं सारा अपडेट आपको देता रहूंगा, भाई लोग भी बहुत दिनों से मेरा वीडियो अगर अभी देखते थे ना बिल्कुल समझ में आता था, पूरा अच्छा समझ में लगता था और हम देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा सब आप ही का वीडियो देखते थे, आप ही का बाकी एनालिसिस वगैरह सब कुछ मालूम चलता है ना किस तरह से प्रोसेस वगैरह, ट्रैक वगैरह वगैरह में कुछ दिक्कत नहीं था, नहीं ट्रैक वगैरह दिक्कत नहीं था, हम आप ही का वीडियो हमेशा देखते थे कि किस तरह से दौड़ता है लड़का लोग और वैसा ही हम फॉलो किए, ज्यादा स्पीड न ज्यादा कम, और मेरा था तो वही आप फॉलो किए, हाँ और मेरा पहली बार 24 मिनट के अंदर दौड़ निकला है, घर में जितना दिन भी प्रैक्टिस किए हैं 24 से प्लस ही गया है, लेकिन यहाँ 23 पार हो गया था, 23 मिनट कुछ सेकंड में, मतलब जिसका 24-25 होता है यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखेगा तो आराम से निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा तो आपका हो जाएगा। बाकी चलिए आप लोग ऐसा कि रनिंग से पहले कुछ खाया हो अगर कुछ किए थे क्या, केला वगैरह कुछ नहीं उसका नहीं खाया था, हम पहले से प्रैक्टिस किए थे। तो चलिए दोस्तों बाकी सारा अपडेट हमें आपको देता रहूंगा, बाकी लोग भाई लोग तो सारा अपडेट आपको बता दिया कटअप भी एनालिसिस, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सभी लोग को जय हिंद।